नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले देखिए मैं आपको ये अभी बता दूंगा कि मनोज दा का फ़ोटो क्यों लगाया है। रीज़न क्या है? बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मुझे इसका फ़ोटो लगाना ही पड़ गया। तो देखिए सबसे पहले मेल के बारे में बता देता हूँ कि मेल क्या है, कहाँ गया फ़ोन, क्योंकि ये जो मेल है ना, इस मेल से कनेक्शन कहीं ना कहीं मनोज दा का है। अब मनोज दा का कैसा कनेक्शन है, देखिए, सेलिब्रेटिंग वुमेन हु इंस्पायर्ड। तो ये जो लड़कियां हैं जो यूट्यूब की तरफ से इनका मेल भेजा गया आप सभी को, ये जो लड़कियां हैं देखिए पांचों जो हैं अपने अलग अलग देश से हैं, ठीक है। इन लड़कियों ने जो है अपने हिसाब से मुकाम बहुत ऊंचा पाया है। अब देखिए यूट्यूब ने भैया मेल करा तो ऊंचा मुकाम हो गई। इनके बारे में फुल डिटेल यूट्यूब ने मेल में ही दिया है, और मेल में ही इनके बारे में दिया है कि भैया ये कौन है, किस नाम का चैनल है, कैसे कैसे इन्होंने सक्सेस पाई है। रीड देयर स्टोरीज पर आप जो है क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए मनोज दा का कैसा कनेक्शन है, आपने देखा होगा मनोज दा मोटिवेशनल कई ऐसे वीडियोस बनाता है, कई लोग का ऐसा कहना भी है। तो उसकी वो वीडियो जहाँ तक शायद चलती भी है, और कई लोग ऐसे हैं जो उन वीडियो को देख करके सब कुछ छोड़ कर, जितना उनका बैकअप है सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाते हैं यूट्यूब में काम करने के लिए। तो सेम ऐसे ही मेल ये भी है मोटिवेशनल टाइप में कि आप कार्य करो क्या पता अगला नंबर आपका हो, या आपका फ़ोटो हो, या आपकी डिटेल हम खुद शेयर करें, ये यूट्यूब कह रहा है। तो देखिए रीज़न ये है मेरा ये वीडियो बनाने का, मनोज दा का फ़ोटो लगाने का, कि सब कुछ छोड़कर यूट्यूब में मत आओ। देखिए कई लोग हैं ऐसा, बड़े बड़े क्रिएटर हैं, मैं एक को टारगेट नहीं करूँगा, कई ऐसे लोग हैं जिनकी एक आध वीडियो निकल जाती है। वैसे तो बड़े क्रिएटर्स के सारी वीडियो ही चलती है, लेकिन बाय चांस उसके किसी तरीके से एक वीडियो को बूस्ट कर दिया जाता है, और उस वीडियो की वजह से कई बंदे जो हैं अपना सब कुछ छोड़कर यूट्यूब में आ जाते हैं। मतलब बैकअप में पहले चल रहा होता, फिर जब बाद में उनके 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 2 लाख मिलियंस में, तो उनका जो कार्य चल रहा होता 35-40 हज़ार की जो भी नौकरी होती है वो छोड़ देते हैं। फिर बाद में गलती से अगर उनका चैनल यूट्यूब की तरफ से सस्पेंड कर दिया जाता है तो सोचिए कोसेंगे किसको। ये कंफर्म बात है कि वो तुम्हें सामने से कभी नहीं कहेंगे कि इसकी वजह से मैंने इसका वीडियो देखा था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। बाय चांस अगर ये कह देता कि सब कुछ छोड़कर यूट्यूब में मत आओ तो मैं ऐसा नहीं करता। गलती से अगर वो आपके सामने भी आ जाता है और वो आपको कहता है कि आपने तो ऐसा कहा नहीं था, लेकिन फिर आप मन में भी सोचोगे क्या यार बंदा पागल है, आप सामने रहेगा ना वो, तब भी आप कहोगे भाई ऐसा कौन करता है यार, तो सब कुछ छोड़ कर यूट्यूब में आ गए, इतने अच्छे खासे नौकरी चल रहे थे, मैंने तो ऐसा कहा नहीं, तुम्हें जो वीडियो बनाई होगी जिसमें तुमने कहा होगा कि सब कुछ छोड़ कर यूट्यूब में मत आओ, वो वीडियो उसको दिखा दोगे। उसका जाने के बाद ये मुझे कन्फर्म है कि आप सोचोगे मैंने 50 की 100 की हज़ारों की ज़िंदगी संवार तो दी, लेकिन इस बंदे की ज़िंदगी जो है बर्बाद हुई है केवल मेरी वजह से, मेरी इस वीडियो को देख कर जे यहाँ पे इतनी बड़ी गलती कर बैठा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए 100 की सीधी बात है, अगर बाई चांस आपकी जगह मैं होता तो अगर मेरे सामने कोई आएगा ऐसा करके मेरी वजह से कैसे कैसे ज़िंदगी बर्बाद होगी, तो वो भी तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ बहुत बड़ी गलती हुई है। तो मेरे बस सभी से ये कहना कि आप हर एक वीडियो में कंपलसरी कर दो कि यूट्यूब में सब कुछ छोड़ कर ना आए। तो यही था इस मेल के ज़रिए, YouTube का जो मेल है इस मेल के ज़रिए और मनोज दा का फ़ोटो लगाने का मतलब। बाकी जो अपडेट आते रहेगी YouTube की तरफ से आपको बताता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़ कर रहें, थैंक यू सो मच, जय हिंद।